हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप लोग सिलेनियम को यूज करके मल्टी डेटा को कैसे आप लोग स्क्रैप कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग सिंगल डेटा, लाइक यहाँ पे हमारे पास एक टाइटल था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और हमने इमेज की URL को स्क्रैप किया था। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन सभी टाइटल्स को एक ही साथ स्क्रैप कर सकते हो। ओके, लाइक आपकी वेबसाइट लोड होगी पूरी तरह से और जितने भी यहाँ पे टाइटल दिए हुए हैं सबको आप एक साथ स्क्रैप कर सकते हो, या फिर ये जितने भी इमेजेस इस वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, लाइक ए वाली इमेजेस प्लस ए वाली इमेजेस, इन सभी इमेजेस के आप लोगों को URLs कैसे मिल सकते हैं। सो गाइस, इस चीज़ को हम लोग सिलेनियम के जरिए करने वाले हैं। सो मैं आप लोगों को पिछला कोड दिखलाऊँ तो ये रहा, ये है हम लोगों ने पिछली बार कोड किया था। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग सिंपल इस चीज़ को रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग सिंपल डेट को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो। ओके, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इस सभी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, लाइक डेटा फ्रेम को रहने देते हैं, ठीक है। CSV में जब भी राइट करेंगे तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं और बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। ओके, सो अब हम लोग एक कोड लिखेंगे जिसके अंदर लिस्टिंग को बेसिकली हम लोग स्क्रैप करने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे एलिमेंट्स नाम से। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली टोटल लेंथ होगा कि कितना, लाइक टाइटल के कितने लेंथ दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड आपको यहाँ पे एलिमेंट ना यूज करके एलिमेंट्स यूज करना है। ये बेसिकली लिस्ट फाइंड करेगा कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बाय विद किस चीज़ से आप लाइक फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CSS सिलेक्टर को यूज करने वाला हूँ। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को XPath को यूज किया था। सो CSS सिलेक्टर कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, अब मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सो आप लोगों को कंट्रोल शिफ्ट आई सी को ओपन करके उसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइटल पे चले जाना है। सो आप यहाँ पे टाइटल पे जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्लास दिया हुआ है इंडिकेट होवर के नाम से। आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ें, ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो कि हर एक टाइटल के अंदर अवेलेबल हो, राइट। सो मुझे ये चीज़ मिला है इंडिकेट होवर करके जो क्लास है, उस चीज़ को कंट्रोल सी करेंगे, इस चीज़ को आप कंट्रोल एफ करके डॉट क्लास, क्लास को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल वी करते हैं। सो अब आप लोग यहाँ पे देखो 76 टाइटल टोटल अवेलेबल हैं इस पेज पे। ओके, सो आप लोग एंटर करोगे तो आप देखो सभी टाइटल्स यहाँ से मिल सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को इस चीज़ को कंट्रोल सी कर लेना है और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल वी कर देना है। सो जब इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से ये फाइंड कर लेगा कि जो टाइटल दिए हुए हैं टोटल कितने अवेलेबल हैं इस पेज पे। ओके, न्यूयॉर्क जो टाइम का जो मेन पेज है उसके ऊपर कितने टाइटल्स अवेलेबल हैं। ओके, सो ये चीज़ करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है डेटा लिस्ट के नाम से। ओके, ये एम्प्टी लिस्ट रहेगा, इसी के अंदर अभी हम लोग अपेंड करेंगे जो हम डेटा स्क्रैप करेंगे। अब आप लोगों को लूप चलाना है। क्या लूप चलाना है कि फोर एलिमेंट इन एलिमेंट्स, जो हमारे पास एलिमेंट्स उसके अंदर का जो लूप चलाएंगे प्लस। सो अब आप लोगों को यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर आप लोग टाइटल को स्क्रैप करोगे। ओके, सो आप लोग यहाँ पे आर्टिकल टाइटल के नाम से हमने वेरिएबल का नाम डिफाइन किया है। अब आप लोगों को सिंपल जो एलिमेंट आपने बनाया हुआ है उसको लेना है और डॉट लगा के टेक्स्ट, मतलब कि जो एलिमेंट उसके अंदर अराउंड 76 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट पे हो जाएगा और डॉट टेक्स्ट लगा के उस जो हमारा टाइटल होगा उसको स्क्रैप करेगा और उस चीज़ को आर्टिकल टाइटल के अंदर ऐड कर देगा। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इस चीज़ को बेसिकली डेटा लिस्ट जो आपने लिस्टिंग बना रखी है ऊपर जो ये वाली एम्प्टी लिस्ट है इसके अंदर अपेंड करना है। उस चीज़ को आप लोगों को कैसे करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है आपको डेटा लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड लगाना है। अब ये चीज़ हमारा एक लिस्ट है बट हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे अपेंड करने वाले हैं। ओके, उस चीज़ को करने का सिंपल तरीका है कि आप लोग यहाँ पे जो डिक्शनरी होता है उसके फॉर्मेट में आ जाओ। उसके बाद अब आप लोग यहाँ पे डेट, लाइक यहाँ पे डेट दे सकते हो। हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेट को कैसे हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, लाइक टुडे डेट को कैसे हम लोग फैच कर रहे हैं। उसके बाद डेट लेने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे टुडे डेट डाल देना है, क्योंकि हम लोगों का जो वेरिएबल नेम है डेट का वो टुडे डेट है, आज की डेट आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइटल, ठीक है। ये है कॉलम नेम बेसिकली, आप कॉलम नेम के अंदर जो वैल्यू जाएगा उसके अंदर आपका आ जाएगा आर्टिकल टाइटल। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ को ऐड नहीं करना है, आपको सिंपल आर्टिकल टाइटल को ऐड कर देना है। इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से आपके जितने भी टाइटल होंगे वो सभी डेटा लिस्ट के अंदर एडअप हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। ओके, अब आप लोगों को सिंपल यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लेना है। सो हमारा ऑलरेडी डेटा फ्रेम क्रिएटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा लिस्ट जो हमने बनाया था उस चीज़ को एडअप कर देंगे। डेटा लिस्ट ऐड हो गया, उसके बाद आपको CSV फाइल का नाम लाइक डिफाइन करना है। उसके बाद जो आपने डेटा फ्रेम बनाया उस चीज़ को सेव कर देना है CSV के अंदर। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली CSV के अंदर अपने डेटा को सेव कर दिया है। ओके,
सो गाइस लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट भी करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि आपका स्क्रैप होने के बाद आपका जो ड्राइवर होगा वो क्लोज हो सके। ओके, सो ड्राइवर डॉट क्विट हमने किया। सो अब आप लोगों को सीएमडी पे आना, सीएमडी पे आप देख सकते हो कि हम लोग अपने सिलेनियम वाले फोल्डर में हैं। सो अब आप लोगों को क्या करना, सिंपल यहाँ पे लिखना है पाइथन और आपके फाइल का नाम आ जाएगा। सो न्यूज आर्टिकल स्क्रैपर डॉट क्विट हमारे फाइल का नाम है। सो अभी ये लोड होगा, लोड होने के बाद ये मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमाइज होने के बाद डेटा हमारा स्क्रैप हो जाएगा और उसके बाद ये बेसिकली क्लोज हो जाएगा। ओके, सो अभी आई थिंक स्क्रैप हो रहा है। सो डेटा यहाँ पे स्क्रैप हो चुका है, सेव भी हो चुका। अब आप लोग यहाँ पे आओ और न्यू आर्टिकल्स में आप लोगों को शो करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 76 जो रोज हैं वो क्रिएट हुई हैं और सभी जो बेसिकली टाइटल दिए हुए हैं उस पेज पे वो सभी आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग किस टाइप से एक लिस्ट को फाइंड करते हैं। ओके, सो इस चीज़ को आपको पता चलेगा होगा कि हम लोग कैसे टाइटल एक ही साथ पूरे वेबसाइट का टाइटल कैसे हम लोगों ने फेच किया। अब सपोज आप लोगों को इस पे आना है, मान लो आप लोगों को सभी इमेजेस को फेच करना है कि इसके अंदर जितने भी इमेजेस हैं उन सभी का मेरे को सोर्स चाहिए, ठीक है, यूआरएल चाहिए। तो अब आप लोग कैसे करोगे, आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट को ओपन कर लेना, उसके बाद आप लोगों को इस इमेज पे जाना है और इस इमेज में आप कुछ ना कॉमन चीज़ें फाइंड करो कि जो सभी इमेजेस के अंदर हो। तो आप लोग IMG टैग के अंदर बेसिकली जो SRC एट्रीब्यूट है उस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। ओके ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पेज को लोड करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पे CSS सेलेक्टर की जगह हम लोग दे देंगे टैग नेम। हम लोग अब टैग नेम से फाइंड करेंगे और हमारे टैग नेम क्या है, IMG। यहाँ पर लोगों को IMG डालना है। ओके, सो IMG ऐड करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे डॉट टेक्स्ट की जगह यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे लिखना है डॉट गेट गेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर आप लोगों को डाल देना है SRC। ओके, सो इस जो हमारे पास जो मेन पेज है इस पेज के अंदर जितने भी SRC होंगे लाइक IMG टैग होगा उन सभी के अंदर जितने भी SRC जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर जितने भी URL दिए होंगे वो सभी आ जाएंगे। सो अब आप लोगों को कंट्रोल S से इसको इस चीज़ को भी हटा लो, यहाँ पे इमेज URL ऐड कर दो और आर्टिकल टाइटल को भी आप लोग चेंज कर सकते हो, कोई नीड नहीं है बट चेंज कर लेते हैं आर्टिकल इमेज सिंपल। ओके, सो अब आप लोगों को सिंपल यहाँ पे आना है, कंट्रोल CLS कर लेना सबसे पहले, क्लियर कर लेना, उसके बाद आप लोग अपने जो फाइल दे रखी है उसको रन कर लेना है। रन करने के बाद आप यहाँ पे देखो ये रन हो रहा है और रन होने के बाद बेसिकली लोड होगा, फिर मैक्सिमाइज, उसके बाद डेटा को स्क्रैप कर लेगा। सो वेट करते हैं कुछ देर तक। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे डेटा जो है वो सेव हो चुका है हमारे फाइल के अंदर। अब आप लोग फाइल के अंदर आइए, लाइक इसके अंदर हम लोगों ने आया और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे इनको URLs मिले हुए हैं, राइट ना। ये देखो ये सभी URLs हैं, आप लोग कोई भी URL यदि ओपन करना चाहते हो, लाइक मैं इस URL को ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो HD क्वालिटी में कि इस URL के अंदर कौन सी इमेज है, लाइक ये अभी वेब फॉर्मेट में है। ओके, सो कोई हम लोग वैसा फाइंड करते लाइक डॉट डॉट इमेज जो हो, इमेजेस ये रही, ठीक है, इनको हम लोग देखते हैं कि ओपन होती हैं कि नहीं, वैसे ओपन होना चाहिए क्योंकि हाँ ये देखो ये वाली इमेज होगी जरूर हमारे पेज पे। सो इन सभी इमेजेस को आप लोगों ने क्या किया, एक ही साथ में स्क्रैप कर लिया। सो गाइस इस टाइप से हम लोग लिस्टिंग को स्क्रैप करते हैं, जो लिस्टिंग पेजेस होती हैं उनको हम लोग स्क्रैप करते हैं। और यहाँ पे आप देखो इन सभी चीज़ों को आप लोग स्क्रैप कर सकते हो, जितने भी इसके अंदर लाइक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, टाइटल दे रखे हैं, इमेजेस, और इन सभी पे क्लिक करवा के भी आप लोग बेसिकली स्क्रैप कर सकते हो। और यदि मान लो किसी भी वेबसाइट के अंदर पेजिनेशन दे रखा है तो उन पेजिनेशन पर भी क्लिक करवा के आप लोग डेटा को स्क्रैप कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनके ऊपर क्लिक करवाते हैं, लाइक होवर करवाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कैसे क्लिक करवाते हैं, और इस टाइप से भी आप लोग स्क्रैपिंग कर सकते हो इजीली सिलेनियम के जरिए ही। सो यदि आपको सिलेनियम के बारे में और भी जानना है कि सिलेनियम को यूज करके हम लोग कैसे स्क्रैपिंग करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं और भी वीडियो जिसकी रिगार्डिंग बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।